नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हसनैन है और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव पर। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख अभी नहीं आई है, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी तैयारियां जरूर शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में आप सभी को पता होगा कि 19 सितंबर को AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पटना पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने अपनी पार्टी का एक अन्य पार्टी के साथ गठबंधन होने का ऐलान किया। तो आज इस वीडियो में हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे कि इस गठबंधन का या इन दोनों पार्टियों का बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या असर होने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस गठबंधन को लेकर। MIM का गठबंधन हुआ है समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के साथ, और इस गठबंधन का नाम रखा गया है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस। अगर इन दोनों पार्टियों की स्थिति देश में या राज्य में क्या है उस पर बात करें, तो सबसे पहले MIM के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तेलंगाना में इनके 7 विधायक हैं और 1 सांसद हैं। महाराष्ट्र में इनके 2 विधायक हैं और 1 सांसद हैं। इसके अलावा बिहार में 1 विधायक हैं। वहीं अगर समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक की बात करें, तो उनके न तो अभी तक कोई MP हैं, न ही MLA हैं और न ही MLC हैं। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टी एक तरीके से है तो पुरानी, लेकिन इनका बहुत जनाधार किसी भी राज्य में नहीं है। MIM की अगर हम बात करें तो उसके अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी। अगर समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक की बात करें तो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं देवेंद्र प्रसाद यादव। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है बिहार विधानसभा चुनाव में। अब ये देखना होगा कि कितना असर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों की जो नज़र है वो MOI समीकरण पर है, जो राजद की जिस पर नज़र रहती है। और इस गठबंधन ने एक और फैसला लिया है कि जो जिस क्षेत्र में या जिस विधानसभा में ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा उनका प्रभाव है, वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। यानी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक जहाँ पर मजबूत है वहाँ पर चुनाव लड़ेगी, MIM जहाँ पर मजबूत है वहाँ पर MIM चुनाव लड़ेगी। इस गठबंधन का जो ऐलान किया गया उस दौरान इन दोनों के नेताओं ने, इन दोनों के अध्यक्ष ने एक बात